बहुत कम लोग हैं जो अपना ड्रेस जो है जहाँ से आते हैं वो पहन कर आते हैं, और बहुत अच्छा आपने। हमारे कल्चर में कोई भी फेस्टिवल या कोई स्पेशल कोई त्योहार या कोई स्पेशल कोई होता है तो हम ये पहनते हैं। तो सर केबीसी के मन से बड़ा मेरे लिए क्या स्पेशल हो सकता था सर। बहुत 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 कैसा लग रहा आपको ऋचा जी यहाँ आकर के? सर एक सपना जो देखा होता है और जब पूरा होता है और उसकी जो खुशी होती है ना सर, वो मैं शायद शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ सर। जी। बहुत से लोग जो हैं वो हमारे इस खेल को एक सपने की तरह देखते हैं। जी सर। बहुत से लोग जो यहाँ पर आते हैं ऋचा जी और इस हॉट सीट पर बैठते हैं, वो बहुत से अरमान लेकर आते हैं कि अगर मैं इतना जीत जाऊँगी तो ये करूँगी ये करूँगी। आपके क्या अरमान? सर उम्मीद तो मैं और कोशिश तो करूँगी कि 1 करोड़ जीत के जाऊँ। जी, जी जी। और उसके पीछे मेरे कुछ कारण हैं। मेरा अभी मई 1st वीक में ही मेरा एक हेल्थ इशू डेवलप हुआ। जी। सडनली अचानक से मुझे एक दिन चक्कर आया, मैं 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रही, फिर मुझे पता लगा कि मेरी 80% किडनीज, दोनों किडनीज डैमेज हो गई हैं। ट्रांसप्लांट या डायलिसिस, दो ही मेरे पास ऑप्शन हैं। तो सर उसके लिए भी मुझे अमाउंट की ज़रूरत है। जी हाँ, जी जी। मेरा बेटा 12th में है और वो हायर स्टडीज़ एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट से करना चाहता है, तो सर उसके लिए भी मैं चाहूँगी कि मैं उस धनराशि को रखूँ। जी जी। और सर मैं हमेशा एक छोटी जगहों में रही हूँ, तो सर जब छोटी जगहों में रहते हैं तो बड़े शहर आपको बहुत फैसिनेट करते हैं, बहुत आकर्षित करते हैं। तो एक सोच बन गई थी कि मेरा भी एक घर हो, मैं भी बड़े शहर में सेटल हूँ। तो सर केबीसी मंच से यदि मैं जो भी धनराशि जीतती हूँ तो मैं इन चीज़ों के लिए अपने आप में उसे रखूँगी। ऋचा जी आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ सर, मैं नेशनल टेलीविज़न है, मैं अपने भाई को थैंक यू बोलना चाहूँगी। सर जैसे ही मेरी बीमारी का पता लगा, सबसे पहले पर्सन वो था जिसने बोला चिंता मत करो मेरे पास 2 हैं। ओह माय गुडनेस। तो सर मैं इस प्लेटफॉर्म से लोगों से अपील भी करना चाहूँगी कि जब भी कभी अपने परिवार में किसी को ऐसी कोई तकलीफ है तो आप आगे आइए, आप उसका मॉरल सपोर्ट बनिए, उसे सहारा दीजिए, जिससे वो उस बीमारी को तो लड़ना ही है सर उसे। जी, जी। लेकिन वो उस चीज से निकल सकता है, बाहर आ सकता है। हमेशा वो उसे ये नहीं रहेगा कि नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे साथ सब हैं, और जब सब साथ होते हैं तो सर बहुत हिम्मत आ जाती है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। हमारे जितने भी दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, जैसा कि अभी ऋचा जी ने कहा कि उनको किडनी का प्रॉब्लम है, और अवधेश जी उनके जो भाई साहब हैं, कितनी सुंदर बात कही, उन्होंने कहा चिंता मत करो मेरे पास 2 हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि वो अपनी एक किडनी जो है वो दान करने के लिए तैयार हैं, ताकि आप स्वस्थ रहें। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, लोग अवेयर होते हैं तो सर वो वेस्ट हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। तो वो तो ऐसा हो गया कि एक जो है थाली भरी हुई उसने झूठा फेंक दिया और दूसरा उसी के पास भूखा बैठा है सर। सर वही स्थिति है। तो एक लोगों में जागृति होनी चाहिए कि यदि किसी को ऑर्गन चाहिए तो सर हम आसानी से दें। जी। तो सर वो एक जो चीज़ है वो बहुत लोग उस चीज़ से जिंदा और अपना जीवन जी पाएंगे सर। बहुत ही अच्छी बात है, और हम आपको बधाई देते हैं अवधेश जी कि आपने ऐसा सोचा। नहीं सर। और जैसा कि ऋचा जी कह रही थी, परिवार के लोग जब आ करके साथ में खड़े हो जाते हैं तो हमारी शक्ति बल जो है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल सर, परिवार सबसे बड़ा है। आपको भी हम बधाई देते हैं और आपको अभिनंदन करते हैं सर कि आपने ऐसा सोचा ऋचा जी के बारे में। एक बात और मैं कहना चाहूँगी सर, मैं जहाँ से हूँ वहाँ के आसपास के 7 जिले से आज तक कोई लेडी हॉट सीट पर या केबीसी में नहीं आई है। जी। तो मैं सर उनके लिए इंस्पिरेशन बनना चाहूँगी कि कोई भी जगह हो, छोटी हो या बड़ी हो, हाउसवाइफ हो, लेकिन आप आ सकते हैं तो प्ले अलोंग खेलो और कोशिश करो, इंस्पिरेशन मुझसे लो। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ऋचा जी एक बार फिर। सोशल मीडिया की बात चल पड़ी आपने कहा, और कभी प्रश्न का जो सोशल मीडिया है, तो हम आपको एक ट्वीट दिखाना चाहेंगे। हाँ।
कैन वी सी द ट्वीट प्लीज? ये है ट्वीट सर, ये वीरेंद्र सेवा कह रहे हैं, स्टेप वन वेक अप, ब्लिंक योर आइज ट्वाइस एंड डांस डाउन द ट्रैक, स्टेप टू स्मैश द बॉलर एंड एट टाइम्स इवन स्पेक्टेटर्स, नो वायलेंस इंटेंडेड, स्टेप थ्री स्विंग नॉट ओनली द बॉल बट ऑल्सो योर हेयर बोल और योर हार्ट आउट, स्टेप फोर सेलिब्रेट लाइक नो वन्स वॉचिंग टू ए वंडरफुल मैन, हैशटैग हैप्पी बर्थडे दादा। सर एक रिक्वेस्ट है, आप तो इतने स्क्रिप्ट राइटर से रोज मिलते हो, इतनी बढ़िया मूवी इतने साल, एक मौका इसको दे देना कि एक आपका मूवी का स्क्रिप्ट लिख ले। अब बताइए कौन है आपका ट्वीट जो आपको लिखवाता है? सर ये सारी घटनाएं घटी हैं, वो तो मैं भी समझता हूँ। एक भी चीज ऐसी नहीं है इनमें जो मैंने झूठ लिखा हो या किसी स्क्रिप्ट राइटर ने लिखी हो, ये सब घटा है और हमने देखा। ब्लिंक योर आइज ट्वाइस एंड डांस डाउन द ट्रैक, सर ये बैटिंग करने से पहले ऐसे ऐसे करते हैं डाड़ छक्का ये करते हैं, पूछ लीजिए, क्योंकि ये कांटेक्ट लेंस पहन के खेलते थे, लेंस पूरी जिंदगी लेंस पहन के खेला, तो उसी से ऐसा लगता था कि ठीक होना चाहिए, जब बॉल हाथ से निकले उस समय कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैट इधर बॉल इधर जा रही है। फिर स्मैश द बॉलर एंड एट टाइम्स इवन स्पेक्टेटर्स, नो वायलेंस इंटेंडेड, इन्होंने हेडिंगले में छक्का मारा था, वो उनके सर पे लगातार खून निकले। ये जी जी जी, अच्छा ये तस्वीर रियल है? हाँ, रियल हाँ, जी, रियल। हमने सोचा ऐसे ही पेंटिंग की हुई है। नहीं, 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 ये स्टैंड पे कैच पकड़ने गया तो सर पे गिरा। ओ, जो थर्ड पिक्चर है सर वो अभी हम लोग अमेरिका में, नॉट ओनली द बॉल बट ऑल्सो योर हेयर, जी, तो वहाँ पर न्यूयॉर्क में बहुत हवा चल रही थी, तो वहाँ दादा बॉलिंग करने आया, तो उन्होंने अपने बाल ऐसे उड़ाए जैसे शोएब अख्तर उड़ाते हैं। और ये तो सबसे खूबसूरत फोटोग्राफ है, सेलिब्रेट लाइक नो वन्स वॉचिंग, ये जो आपने कमीज उतार करके घुमाया है सर, इतना गर्व हुआ है हमें। एक समय ऐसे आया जब मैं क्रिकेट छोड़ा था, तो मेरी बेटी छोटी थी, वो मेरे बाजू में बैठ के टीवी देखती थी, मुझे पूछता आपने ये क्यों किया? हाँ। तो मैंने फोन घुमाया, मैंने कहा देखो भाई मैंने 20,000 रन बनाए, ने कवर ड्राइव भी मारे, छक्के भी मारे, कट भी मारे, तुम प्लीज उसको दिखाओ, ये मत दिखाओ। सब मुझे पूछते हैं कि तुम ये क्यों किया है, पर मेरे पास कोई आंसर नहीं था। नो नो, बट मैं आपको बताऊं सर, सर हमने बहुत रोका सबने, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, क्या है कि हमको कोई ताना मारेगा उसके बाद हम विजयी हो जाएंगे, तो हमें ताना मारना चाहिए और वापस। वो तो विजयी भी नहीं हुआ था। हाँ। जिसने किया था वो विजयी भी नहीं हुआ, वो ड्रॉ किया था सीधा। हाँ, वी ड्रॉ, पर हमने जाके हरा दिया उनको। नहीं नहीं, बट ये सर हमको करना चाहिए, हम लोग के अंदर बहुत दबे दबे रहते हैं हम लोग। सर ज्यादा मत बोलिए, विराट कोहली कुछ भी कर सकता है ग्राउंड पे। जी जी, तो आप ज्यादा उनको मत पुश करिए ये करने के लिए, ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे चल जाएगा बिना। नहीं नहीं नो, बट दादा आई एम टेलिंग यू सीरियसली, सो प्राउड आई एम ऑफ यू फॉर हैविंग डन दिस। नो थैंक यू, बिकॉज यू नो हम लोग भारतीय जो है सोचते हैं नहीं यार ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हमारी विजय होगी सर, सॉरी सर, कोट पैंट सब उतार देंगे। सब समझे, बट लिखता कौन है सर? मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, दादा बोल रहे हैं लिखता कौन है? मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो मैं हिंदी में सोचता हूँ और फिर ट्रांसलेट करा लेता हूँ। हाँ नहीं नहीं, इसमें कुछ दादा को यकीन नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है।